बैक टू दिस चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज, फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो आयरन मैन की तीन मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं। तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकल कर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 स्टार की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं नॉमिनेशन, 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फिरियाओ है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जेफ ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इट मूवी इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फिरियाओ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था, और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज, फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो आयरन मैन की तीन मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं। तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फिरियाओ है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैप ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फिरियाओ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था, और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे,
और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज, फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो आयरन मैन की तीन मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं। तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकल कर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं नॉमिनेशन, 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियो का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फ्रेक्वायू है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रेगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस हॉवर्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जेफ ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बिब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरेक्वा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था, और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी।
अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज, फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो आयरन मैन की तीन मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं। तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 स्टार की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं नॉमिनेशन, 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियो का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरेक्वायु है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रेगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैप ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरेक्वायु है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था, और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन
की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी। और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइज, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज, फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं। तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकल कर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 स्टार की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियो का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया जॉन फ्रेक्वायू है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रेगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैफ ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरेक्वा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स,
इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर 585 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी। और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइज, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज, फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो आयरन मैन की तीन मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं। तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकल कर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 स्टार की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फिरियाओ है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जेफ ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जेम्स
जॉन फेरिक्वा है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर 585 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी। और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज, फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं। तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 स्टार की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं नॉमिनेशन, 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फेरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरिक्वा है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रेगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैप ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रोटेन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को
मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरिक्वा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी। और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइज, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड, इसके काफी सारे रिव्यूज, फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 स्टार की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फेरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरिक्वा है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रेगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैफ ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है।
वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटर्न टमाटोज इस मूवी को मिले हैं और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरिक्वा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर 585 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों मूवी काफी बेहतरीन है और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों। इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फेरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरिक्वा है और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैप ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है।
और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टमेटोज इस मूवी को मिले हैं और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरिक्वा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी। और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए, यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज, फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं। तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकल कर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं नॉमिनेशन, 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फेरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरिक्वा है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रेगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैफ ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको
देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और भी चीज़ों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टमाटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जैन जॉन फेरिक्वा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर 585 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी। और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइज, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज, फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर जीता है, और तो और दोस्तों 24 wins इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 nomination में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फेरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरिक्वायु है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रेगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैप ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब
आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टमेटोज इस मूवी को मिले हैं और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जैन जॉन फरिक्वा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर 585 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी। और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइज, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज, फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकल कर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया जॉन फिरिक्वा है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रेगेसोस्की, मार्क मैरकम, ये सारे हैं।
अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे। टेरेंस हॉवर्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे। जेफ ब्रेस दोस्तों आपको ऑबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे। साथ ही साथ लेसाइल बिव आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे। और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टमेटोज इस मूवी को मिले हैं और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था। और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों, वो जॉन फेरिक्वा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी। और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइज, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं। तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 wins इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 nomination में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फेरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरिक्वा है,
और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे। टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे। जेफ ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे। साथ ही साथ लेसाइल बिब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टमेटोज इस मूवी को मिले हैं और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरिक्वा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी। और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं। तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकल कर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 wins इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 nomination में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फेरियो का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी दोस्तों, और मूवी
लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फ्रेक्वायो है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रेगेसॉस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैप ब्रेस दोस्तों आपको ऑबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एन बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फ्रेक्वायो है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड, कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइज, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे, कि इसकी स्टोरी क्या थी, और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड, इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे, या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 स्टार की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फ्रेक्वायो का,
जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरेक्वायू है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे। टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे। जैफ ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे। साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इट मूवी इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था। और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरेक्वायू है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी। और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड, कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे, कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड, इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे, या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों, कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों, वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर जीता है, और तो और दोस्तों 24 wins इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 nomination में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों। इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का
अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फेरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरेक्वायु है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसॉस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टॉनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैप ब्रेस दोस्तों आपको ऑबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरेक्वा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड, कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे, कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड, इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे, या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से है दोस्तों, कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों, वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकल कर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था,
और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियो का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफ़ी ज़्यादा हिट थी दोस्तों और मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरेक्वायू है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रेगेसॉस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस हॉवर्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैफ ब्रेस दोस्तों आपको ऑबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टमाटोज इस मूवी को मिले हैं और 79% मैट्रिक इट इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरेक्वायो है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था, और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइज, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या थी, और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए यानी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24
इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों। इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फिरियाओ है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेस, ऑस्की मार्क मैरकम, ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैप ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फिरियाओ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था, और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड, कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे, कि इसकी स्टोरी क्या थी। और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड, इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों, कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों, वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकल कर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 स्टार की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है।
वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं नॉमिनेशन, 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फिरियाओ है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस हॉवर्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जेफ ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बिब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फिरियाओ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था, और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड, कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइज, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे, कि इसकी स्टोरी क्या थी, और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड, इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे, या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों, कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों, वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा
वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं हैं। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफ़ी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफ़ी ज़्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरेक्वायू है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेस, ऑस्की ऑस मार्क मैरकम, ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैप ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बिब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और भी चीज़ों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरेक्वायो है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था, और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड, कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइज, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे, कि इसकी स्टोरी क्या थी, और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए यानी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड, इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे, या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों, कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों, वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकल कर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 आउट ऑफ
8 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 स्टार की है। और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं नॉमिनेशन, 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फेरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फेरियाओ है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैफ ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एन बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटर्न टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इट मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फेरियाओ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था। और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड, कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइज, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे, कि इसकी स्टोरी क्या थी, और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए यानी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड, इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे, या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों, कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों, वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी।
बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फिरियाओ है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैफ ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फिरियाओ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था, और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड, कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे, कि इसकी स्टोरी क्या थी, और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड, इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे, या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से दोस्तों, कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों, वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकल कर बाहर निकलते हैं, और फिर दोस्तों वो फिर
किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 स्टार की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है, और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी ही दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया जॉन फिरियाओ है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसोस्की और मार्क मैरकम, ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों ग्विनेथ पैल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस हॉवर्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैफ ब्रेस दोस्तों आपको ऑबी डेस्क का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बिब आपको क्रिस्टेना एन बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं, और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फिरियाओ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था, और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड, कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है। बैक टू दिस चैनल गाइस, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी से रिलेटेड, इसके रिव्यूज, इसके फैक्ट्स, साथ ही साथ दोस्तों इसका स्टोरी वगैरह के बारे में बात करेंगे, कि इसकी स्टोरी क्या थी, और ये मूवी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी मूवी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस मूवी से रिलेटेड, इसके काफी सारे रिव्यूज फैक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आयरन मैन की 3 मूवीज है जो मैं आज बात करने वाला हूँ। ये आयरन मैन की पहली मूवी है, जो कि दोस्तों जिसे रिलीज किया गया था काफी पहले, यानी 2008 में इसे रिलीज किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक और मूवी आया, उसके बाद दोस्तों आयरन मैन 3 भी आया था, और दोस्तों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दोस्तों जिसमें आपका दोस्तों उसकी डेथ हो जाती है आयरन मैन की। तो दोस्तों इस ये सारे मूवीज जो है दोस्तों एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर आप ये सारे मूवीज के बारे में नहीं जानोगे, या फिर आप इस मूवीज को नहीं देखोगे, तो आने वाली मूवीज आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगी। तो आज का रिव्यू आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट होता है, यानी कि जो हमारे आयरन मैन है वो होते हैं, तो दोस्तों वो जो है काफी ज्यादा काम करते हैं, काफी तगड़े रहते हैं, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते हैं, और वो जाकर अफगानिस्तान में फंस जाते हैं। लेकिन होता फिर कुछ इस तरीके से है दोस्तों, कि जब वो अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, उसके बाद फंसने के बाद दोस्तों वहां से वो निकलने का कोशिश करते हैं, उसके लिए एक सूट बनाते हैं लोहे का, और वो मतलब कि कबाड़ से बनाते हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छा होता है। तो वो उस सूट का यूज करते हैं दोस्तों, और सूट का यूज करने के बाद जो है वो काफी अच्छे तरीके से उस सूट को भी हैंडल कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों, वहां से वो निकलते हैं, जब निकलने के बाद दोस्तों वो अमेरिका पहुंचते हैं किसी तरह, और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं।
यही पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आपको पूरी की पूरी स्टोरी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब वो कैद से निकलकर बाहर निकलते हैं और फिर दोस्तों वो फिर किस तरीके से एक अच्छा सूट बनाते हैं, इसके बारे में पूरी मूवी देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों आईएमडीबी रेटिंग्स का, तो आईएमडीबी पर दोस्तों इसे 10 out of 8 star की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोस्तों 7.9 star की है, और इसे दोस्तों 11 लाख से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं आईएमडीबी पर, जो कि काफी बढ़िया बात है, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतने वोट्स जल्दी किसी मूवी को मिलते नहीं है। वहीं पर दोस्तों इसने 2 बार ऑस्कर्स जीता है, और तो और दोस्तों 24 विंस इसने जीते हैं, नॉमिनेशन 73 नॉमिनेशन में 24 इसने जीते। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, मूवी काफी बेहतरीन है और इसको दोस्तों 2009 में बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म का अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था दोस्तों। इसके जो मेन एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्हें दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और वो जीत चुके थे। वहीं पर दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जॉन फिरियाओ का, जो कि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किए थे, जिन्होंने 2009 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और मूवी तो वैसे काफी ज्यादा हिट थी दोस्तों, और मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई थी। अब बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया जॉन फिरियाओ है, और राइटर्स इसके दोस्तों मार्क फ्रिगेसोस्की और मार्क मैरकम ये सारे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के कुछ टॉप कास्ट का, तो आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने टोनी स्टार्क का रोल प्ले किया है। वहीं पर दोस्तों गिवनेथ पेल्ट्रो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करते देखेंगे, टेरेंस अवार्ड आपको रॉयडी का रोल प्ले करते देखेंगे, जैप ब्रेस दोस्तों आपको ओबिडेस का रोल प्ले करते देखेंगे, साथ ही साथ लेसाइल बीब आपको क्रिस्टेना एंड बैट का रोल प्ले करते देखेंगे, और काफी सारे हॉलीवुड के एक्टर्स आपको देखने को इस मूवी में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, तो मूवी आप जाकर देखो दोस्तों, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है। और भी चीजों का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मूवी को जो है 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर दोस्तों मूवी जो है 94% रिटन टोमेटोज इस मूवी को मिले हैं और 79% मैट्रिक इस मूवी को मिले हुए। वहीं रिलीज डेट का बात करें दोस्तों, तो 1 मई 2008 को इसे जो है रिलीज किया गया था, और इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों वो जॉन फिरियाओ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, मोशन पिक्चर्स इन्होंने किया था, और दोस्तों इसने बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई की थी, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात थी, और ये मूवी दोस्तों एक सुपरहिट मूवी भी साबित हुई थी। अब बात करें दोस्तों आयरन मैन 2 का, तो आयरन मैन 2 के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे इस मूवी से रिलेटेड, कि आपको इस मूवी में और क्या क्या देखने को मिलता है।